नमस्कार, अब खबर धौलपुर से। डकैतों के लिए मशहूर जिस शहर में कभी घोड़ों की टापों से लोगों के दिल दहला करते थे, आजकल उस शहर में नवजात कन्याओं की रुदाली अक्सर मां को याद करते हुए सुनी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं धौलपुर शहर की, जहां गुरुवार सुबह एक बार फिर से एक मां ने अपने नवजात को मरने के लिए सड़क किनारे छोड़ दिया। क्या है मामला, आप देखिए। धौलपुर में मां के दूध को दो बूंदे के लिए अस्पताल में FBNC वार्ड में रोती बिलकती यह वह मासूम है जिसे गुरुवार सुबह उसकी निर्दयी मां मरने के लिए सड़क किनारे छोड़कर चली गई। गुरुवार सुबह रोज की तरह सुबह घूमने के लिए निकले अस्पताल के मेल नर्स को सड़क किनारे रोती हुई यह नवजात दिखाई दी, जिसे मेल नर्स ने मानवता निभाते हुए इस नवजात को अस्पताल में भर्ती करा दिया। नवजात का इलाज कर रहे चिकित्सकों के मुताबिक 1 से 2 दिन की नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसका चिकित्सकों की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। नवजात को अस्पताल लेकर पहुंचे मेन नर्स गजेंद्र यादव के मुताबिक सुबह के पहर जैसे ही वह राजा खेड़ा बाईपास पर पहुंचा, तभी उसे नवजात के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर आसपास देखने पर मेल नर्स को सड़क किनारे नवजात रोती हुई मिली। नवजात को मिलने के बाद मेल नर्स ने आसपास उसकी मां को काफी तलाश किया, लेकिन नवजात की मां नाम मिलने के बाद उसने मानवता का धर्म निभाते हुए पुलिस को सूचना देकर नवजात को अस्पताल में भर्ती करा दिया। मदर्स डे के ठीक तीसरे दिन नवजात के मिलने के बाद जो लोग मां शब्द की तारीफ में सोशल मीडिया पर 4 चांद लगाए हुए थे, वहीं धौलपुर में नवजात के मिलने के बाद वहीं लोग उस निर्दयी मां को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 दिन की मासूम को मरने के लिए सड़क किनारे छोड़ दिया। धौलपुर में नवजात मिलने के बाद पुलिस ने उस माता को तलाश शुरू कर दी है, जिसकी वजह से मां शब्द को बदनामी का दंश झेलना पड़ रहा है। धौलपुर से चैनल लाइव के लिए कैमरा की स्पेशल रिपोर्ट।